देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। हर रोज 5 से 6 हजार लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी काफी अधिक बढ़ गया है। इस बीच एक बार फिर से राज्य सरकारों की तरफ से सख्ती का ऐलान होने लगा है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1801 नए मामले सामने आए हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम जिलों में कोविड मामलों की संख्या सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के नेतृत्व में कोविड की स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक भी हुई। इस बैठक में कोरोना को लेकर कई अहम फैसले किए गए। कोविड 19 से ज्यादातर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। वहीं जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए ज्यादातर नमूनों में ओमिक्रॉन वेरियंट पाया गया है, जिसके बाद एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक घर में अगर बुजुर्ग लोग हैं तो घर परिवार के सब लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा, केरल और पुडुचेरी ने मास्क अनिवार्य किया है। वहीं हरियाणा सरकार के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना के रोकथाम के लिए जरूरी नियमों का पालन करें। सरकार ने जिला और पंचायत प्रशासन को इसकी निगरानी करने का आदेश भी दिया है। इसी हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक करके राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 और 11 अप्रैल को देश भर के अस्पतालों में तैयारियों का जायजा करने को लेकर 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल कराने का भी ऐलान किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।